आप सभी को प्रणाम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने ये टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया है, तबला रियाज का ये वीडियो है। आप हमारे साथ आज तबला रियाज कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक क्लासिकल तबला लेसन्स का एक लेसन, वो तबला प्रैक्टिस का वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों ने वो देखा जरूर होगा। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि रियाज कैसे करें, तो अभी हम थोड़ा, ये वीडियो लंबा होगा तो साथ में हम रियाज करते हैं। आप सभी भी अपने साथ तबला लेकर बैठ जाइए और शुरुआत में हम बजाएंगे भजनी ठेका। फिर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स में बजाने वाले पैटर्न्स हैं, हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ी देर आपके साथ रियाज करेंगे और फिर आपको उसका पता लगेगा कि किस लय में हमें रियाज करना चाहिए। मैं साथ साथ आपको लय भी बताऊँगा कि किस लय में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा वीडियो है। प्लीज़ अभी शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, इसको कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पर लेसन्स भी मिलेंगे आपको। पहले ये प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, और ये एक घंटे का शायद वीडियो हो सकता है, देखेंगे जितना भी ये लॉन्ग वीडियो जाए। तो प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने का तरीका जानिए और फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद चैनल पर जाकर लेसन्स जरूर देखिएगा आप। चलिए शुरुआत में हम रियाज करते हैं भजनी ठेका, भजन का ठेका। तो जो मैंने आपको लेसन बताया था उन्हीं बोलों का हम रियाज करेंगे। तो रियाज कैसे करना है, आप सभी ने वो सीख ही लिए होंगे जो पहले से जुड़े हैं। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो भी कोशिश करें हमारे साथ। मैं आपको बोल भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, सभी पैटर्न्स के, बहुत सारे पैटर्न्स होंगे, प्रोग्राम्स के हैं सारे, सब लाइव स्टेज में, लाइव प्रोग्राम्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो भजनी ठेका जो मैंने सिखाया था, धैना धैन धे नग धैना तेन ते नग, ये बोलते हैं उसके, धैना धैन धे नग धैना तेन तक तक धैना तेन। के बोल है धेन्ना धेन धेनग धेन्ना तेन तेनग। तो धिन पर हम स्लाइड करेंगे, फिर इसको बजाने का तरीका पहले देख लीजिए, फिर रियाज करते हैं। धेन मैदान पर, धेन पर स्लाइड कर रहे हैं, तो धेन्ना धेन धेना ग, फर्स्ट फिंगर से ग, फिर धेन्ना तेन तेना ग, ये तरीका है। धेन्ना धेन धेना ग धेन्ना तेन तेना ग। इसका रियाज करने का तरीका देखिए, हमें स्लो स्पीड में रियाज करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं भजनी ठेका। ऐसे स्लाइड करें, वेरिएशन ये हो गया इसका, ऐसे रियाज करें। फिर धैना धैन धैना ग, अब ना ग की जगह नाना करेंगे हम। तो थोड़ी देर इसका रियाज करते हैं।
लास्ट में नाना कर रहे हैं, सिंपल है। आइए जान लीजिए। अब थोड़ी देर इसका भी रियाज करते हैं। धेन ना धेन धेन नाती धेन ना धेन धेन नाती नाती, मिडिल फिंगर से ऐसे बंद कर रहे हैं, ये मैंने सिखाया था आपको। थोड़ी देर इसका भी रियाज करते हैं। आइए त्रिकट तक ना त्रिकट धेन ना धेन धेन नाती धेन ना धेन धेन नाती। Yeah.
ठेका हो गया, इसका आप रियाज करें। अब इसमें धैन ना धैन धैन नाते धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते, ये इसका रियाज करें दोनों बार बेस। धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते, सेम है लेकिन बेस ऐड हो गया इसमें। धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते, ये आइए साथ में करें, करते रहिए रियाज। आगे बहुत सारे पैटर्न हैं। धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते, धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते धैन ना धैन धैन नाते, ये है। अब इसका हम रियाज थोड़ा सा और स्पीड में करते हैं, थोड़ी देर बजाएंगे। अगर आप इसका रियाज करें तो साथ में ट्राई कर सकते हैं, जिन लोगों की तैयारी है तो देखिए। तो बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं भजनी ठेका के, तो ये आपने रियाज किया थोड़ी देर मेरे साथ। अब आइए कुछ कहरवा के वेरिएशंस हैं जो मैंने सिखाए हैं आपको, वही मैं रियाज आपके साथ आज कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं वो भी। अब कुछ कहरवा के वेरिएशंस करते हैं रियाज, ठीक है। पहले हम करेंगे थोड़ी देर, एक मैंने सिखाया था आपको, काफी लोगों ने वो सीख भी लिया होगा, और धिक ताता तिक धाता। तो सिंपल पैटर्न है, चांटी पर यही रिपीट होगा, बहुत अच्छा प्रकार है। तो बिल्कुल सिंपल है, ती ये किनार पर म्यूट कर रहे हैं, ती क ता ता तिक ताता ती क ता ता। आप लोगों को आता है, जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो लोग नए हैं वो भी देखें, और प्लीज स्किप ना करें इसको, रियाज करें हमारे साथ, प्रयास करें, कोशिश तो करनी होगी। और चैनल पर जाकर हमारे वीडियोस जो है, लेसन्स हैं बहुत सारे हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं और शॉर्ट वीडियोस भी हैं, सारे लेसन्स आप रियाज करेंगे सीखेंगे तो अपने घर बैठे ही तबला बजाना सीख सकते हैं।
ढोलक के भी लेसन आपको मिलेंगे। तो चलिए धिक ताता तिक धाता ओनली इसका रियाज करेंगे। तो शुरुआत में हम लगाएंगे घिस्सा, तो धिक ताता तिक धाता, ठीक है, धिक ताता तिक धाता, इतना हम रियाज करेंगे और उसके बाद कुछ चेंज करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। तो आइए सिर्फ धिक ताता तिक धाता, 1 2 3 स्टार्ट, धिक ताता तिक धाता, रियाज करना चाहिए धिक ताता धिक, सिर्फ इसका धिक ताता धिक, अभी इसमें घिस्सा लगाकर कर रहे हैं, धिक ताता धिक धाता, ये थोड़ा घिस्सा ताकत से, धिक ताता धिक धाता, धिक ताता धिक धाता,
इसमें हमने चेंज किया, पहले हिस्सा फिर दबाकर बेस को बजाया, फिर पैटर्न्स हैं और बहुत अच्छे प्रकार हैं। मैं तो थोड़ी थोड़ी देर आपके साथ बजा रहा हूं ताकि आपको इसका एक अंदाज पता लगे कि रियाज किस स्पीड में करना है। तो ये जो मैंने स्पीड आपको बजाकर दिखाया, इसी स्पीड में आपको भी रियाज करना चाहिए। फिर थोड़ा सा अगर आपको तैयारी इसकी बन जाए तो थोड़ा सा रियाज फास्ट कर सकते हैं। कैसे? पैटर्न है और इनका आप रियाज जरूर करें और
शुरुआत में कम स्पीड में ही करना चाहिए रियाज। और एक और पैटर्न मैंने बताया था, वो काफ़ी पहले, काफ़ी दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने वो भी देखा होगा। तो अभी चांटी पर हमने रिपीट किया ये टिक ताता टिक ताता। अब इसमें क्या करेंगे, टिक तित्ता, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टिक तित्ता, ये डबल हो गया। तो चांटी पर ये रिपीट करेंगे, इसको भी रियाज करते हैं। बोल है धिक धित्ता तिक धित्ता। तो देखिए शुरुआत में बेस को दबाकर बजाएंगे, तो आइए धिक धित्ता तिक धित्ता, धिक धित्ता तिक धित्ता, ये है। अब उठान के साथ ताके न ताके न ता, थोड़ा स्पीड कम करते हैं, धिक धित्ता तिक धित्ता। ये भी अच्छा प्रकार है रियाज के लिए, बहुत अच्छा है। धिक धित्ता तिक धित्ता, 1 2 3 4, धिक धित्ता तिक धित्ता। बहुत अच्छा कहरवा का एक प्रकार है। और अब इसके बाद हम रियाज करते हैं, एक बहुत अच्छा कहरवा है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तो 1 2 3 4 तबला बजाओ मेरे साथ, ऐसा कुछ वीडियो था। तो वही पैटर्न का थोड़ी देर रियाज करते हैं, आपके ये बड़ा काम में आएगा, प्रोग्राम्स में इसको बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। तो चांटी पर रिपीट होगा ये, तो बोल देख लीजिए कंप्लीट, धा तित्ता ता धित्ता, 1 2 3 4, धा तित्ता ता धित्ता। अब इसमें लास्ट में घिस्सा लगेगा, तो धा तित्ता ता धित्ता, धित पे घिस्सा है। तो बोल तो आपने सीख लिया था, धा तित्ता ता धित्ता, धा तित्ता ता धित्ता, धात इत्ता तागे देता है, धात इत्ता तागे धित्ता, तागे फर्स्ट फिंगर से घ, तो तागे धित्ता, ये वो बोल थे। तो थोड़ी देर इसका भी रियाज करते हैं, 1 2 3 4, धात इत्ता ता धित्ता, धात इत्ता तागे देता, आइए 1 2 3 4, धात इत्ता तागे धित्ता, धात इत्ता तागे धित्ता।
अब धागे ना तिनक दिन, काफी लोगों का फरमाइश होता है धागे ना तिनक दिन बताइए, तो धागे ना तिनक दिन वैसे कहीं बचता नहीं है, प्रकार ज्यादा यूज में आते हैं, तो धागे ना तिनक दिन, ये भी मैंने सिखाया बजाना, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन। ये चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए धा तित्ता तागी थित्ता का थोड़ी देर हम रियाज करते हैं, आइए 1 2 3 4 धा तित्ता तागी थित्ता। अच्छा कहरवा का प्रकार है ये दोस्तों, और अब हम एक और पैटर्न है उसका रियाज करते हैं, फिर हम करेंगे एक फास्ट कहरवा का रियाज। अभी जो कर रहे हैं ये भी फास्ट कहरवा ही है, ये मैंने आपको बजाना सिखाया था तो बहुत अच्छा प्रकार है, क्या था वो, धा ता तिन ता घे धा तिन, ये बोलते धा ता धा पौस ता तिन फिर ता तागे धातिन, धा तातिन ता धातिन, कहरवा का प्रकार है। तो चांटी पर वही था, ये बड़ा अच्छा है। बेस इसमें शुरुआत में सिंपल बजेगा, लास्ट में घिस्सा लगाना है, धा तातिन ता घ फिर धा तिन। अब थोड़ी देर इसको बजाएंगे, धा पौज फिर तातिन, ता पौज फिर ता घे धातिन, ता घे धा तिन, ये बोलते हैं। ये भी मैंने सिखाया था आपको, काफ़ी लोगों ने कहा कि उनको ये वीडियो मिल नहीं रहा था तो उनको हमारे चैनल पर मिला, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो
आप इसका रियाज कीजिए, बहुत अच्छा कैरवा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कैरवा, बड़ा इसमें आनंद आता है मुझे जब मैं इसको बजाता हूँ। तैयारी चाहिए? अब इसका रियाज करेंगे हम। 1 2 3 4 मेरे साथ शुरू करें, देखिए धा धा तिन ता गे धा ति, ये बोल है ऐसे। अब स्टार्ट करते हैं, 1 1 2 3 4 धा धा तिन ता गे धा ति धा। बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग कहरवा वेरिएशन, धा धा तिन ता गे धा ति, थोड़ा स्पीड, आइए बस।
तो ये कहरवा ताल का बहुत अच्छा प्रकार है ये, तो इसका भी आप डेली रियाज करें। ये तो मैं थोड़ी थोड़ी देर आपको पैटर्न बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा रियाज करना है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया बताया, पहले थोड़ा स्लो स्पीड में हमने बजाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, फिर और भी स्पीड में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ये, और अब हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रकार है ये भी मैंने आपको सिखाया था, धातिन धाता ता धिन धाता, ये इसके बोल हैं। अब हम इसका रियाज करेंगे, तो बहुत अच्छा बोल है, चाटी पर वही चलेगा। देखिए, ता तिन ताता ता तिन, तिन खुला है तो चाटी पर रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे ता तिन ताता लगातार, और तिन सॉफ्ट ऐसे कंप्लीट बोल। धा तिन धाता, धा पर स्लाइड फिर धिन सिंपल, फिर धा देखो धा पर स्लाइड किया फिर धिन सिंपल है, तो धा तिन धाता, नहीं, धा तिन धाता, हाँ सॉरी, तिन अकेला है तो धिन लास्ट में, तो धा तिन फिर धाता फिर ता धिन, ये धिन फर्स्ट फिंगर से लेंगे बेस में से, धिन सिंपल है ये, फिर धाता शुरुआत में स्लाइड है, तो धा तिन धाता फिर ता धिन धाता, बिल्कुल इजी पैटर्न है। अब इसका रियाज करते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा और कम करते हैं, 1 2 3 4, धा धिन धाता ता धिन धाता, रियाज करना है। धा तिन धा ता ता, आप देखिए शुरुआत में हिस्सा, ये मैंने आपको सिखाया था, अच्छा पैटर्न है, इसका भी रियाज करना चाहिए और बजाना भी चाहिए इसको। ये पुराने कैरवे हैं और थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं क्योंकि, तो इसमें तैयारी चाहिए क्योंकि फर्स्ट फिंगर का यूज है ना। देखिए, अब ये खड़ा उंगली का ये पैटर्न है, एक तरीके से खड़ा बिल्कुल बजाने का स्टाइल ये। अब यही मिडिल फिंगर का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको एक पैटर्न बताया तो ये मिडिल फिंगर से, ये देखो ऐसे भी है, लेकिन ये वाला मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, रियाज करना पड़ेगा और इसको तैयार करने के लिए। तो अब इसको थोड़ा स्लो स्पीड में रियाज करेंगे तो फास्ट बजाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो 1 2 3 4, धा धिन धा 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 धिन धा धा, ये इस लय में रियाज करना है डेली 1 घंटा, जब आएगा फास्ट फिर तेज बजा सकते हैं। धा धिन धा 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 धिन धा धा,
कब आकर। भी आप रियाज करें, धातिन धाता ताधिन धाता, बहुत अच्छा प्रकार है ये। अब एक और कहरवा का प्रकार है, थोड़ी देर उसका भी रियाज करें। तो मैंने वो ढोलक पर भी सिखाया था और शायद तबले पर मैंने बताया हो, तो बहुत अच्छा है ये। देखिए ता 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 ता, तीन बार है ति ता 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 ति ता ता ता, चांटी पर ये रिपीट होगा। आपको सिखाया था धित्ता ता ता तिद्धा धाता, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसमें एक धित्ता ता ता तिद्धा धाता ये बोल है, तो धित्ता ता ता तिद्धा धाता, एक और सात पर बेस लगेगा, ये भी रियाज के लिए अच्छा है। धित्ता ता ता तिद्धा धाता, इसका रियाज करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ।
धाता लास्ट में हिस्सा था, अब इसमें शुरुआत में धित्ता धाता, जैसे धिक धाता में था ना, सेम इसमें वैसी करना है। तो आओ धित्ता धाता धित्ता धाता ऐसे, ये धित्ता धाता धित्ता धाता धित्ता धाता धित्ता धाता। नहीं है, बिना रुके
सब बजाते रहिए। चांटी बजाइए। ये भी बहुत अच्छा प्रकार है दोस्तों, तो इसका भी इस प्रकार से आप रियाज करें। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़ा आपको तो ज़्यादा रियाज करना है, ये तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूँ ये भी, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। म्यूज़िक जितना सीखो उतना कम। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे याद आ गई बात, मुझे मैसेज करते हैं कि मैं भी तबला बजाता हूँ। लोग छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, खैर बच्चों को उतना नहीं, बच्चे अच्छी बात है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये विद्या ऐसी है, इसको ज़िंदगी भर सीखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा आगे इसमें जाएंगे और नाम कमाएंगे। जितना हो सके सीखने का प्रयास करें। तबला सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये नहीं कि हमने सीख लिया और हम अब बजाने लग गए तो हम उस्ताद हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा स्टूडेंट ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि हम तो विद्यार्थी हैं, हम सीख रहे हैं और सीखते रहें, नई नई चीज़ें सीखें, आपको भी आनंद आएगा। और जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया वो आनंद चला जाएगा, तो इसलिए सीखना बंद ना करें, हमेशा तबला स्टूडेंट रहें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अब एक और प्रकार है, देखिए कितना अच्छा, वो मैंने आपको सिखाया था, वो सिंपल है, देखिए चांटी पर ये रिपीट होगा, तित्ता 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 तित्ता। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और साथ पर भेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 तित्ता 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 तित्ता। आइए इसको रियाज करते हैं, तित्ता 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 तित्ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और सात पर बेस, सात पर घिस्सा लगाएंगे। शुरुआत में इसमें सिंपल बेस रहेगा, तो धित्ता 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 धित्ता। ये आइए इसके भी वेरिएशन करेंगे, पहले सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 रित्ता 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 रित्ता। बहुत अच्छा प्रकार है, पुराना स्टाइल, पुराने कह रहे हैं। आइए
तबला सीख रहा हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं तबला, तो जिंदगी भर सीखना है। और मैं कभी अपना को ये नहीं कहता कि मैं बहुत सीख गया हूँ, मैं अभी कुछ नहीं सीखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे से जितनी कोशिश हो रही है मैं आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, इन सभी पैटर्न्स का आप रियाज करेंगे तो आपके बहुत काम में आएंगे, आप लोग अपने परफॉर्म भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और कोशिश करें कि इसका कम स्पीड में ही रियाज करें, स्लो स्पीड में रियाज करें, फिर गानों के साथ इनको आप अप्लाई करें, ये सब पैटर्न्स बजते हैं, सुनना पड़ेगा, भजन सुनिए, उसमें कोशिश करें कि सुने उसको समझें कि इसमें क्या पैटर्न बजा हुआ है। तो यही सब है, थोड़ा वेरिएशंस होते हैं हर बार, जो नए नए आर्टिस्ट लोग नए नए भजनों में जो प्ले करते हैं तो वो कई बार अपने नई नई चीज़ें भी लगाते हैं, वेरिएशंस करते हैं उसमें, तो पैटर्न्स वही होते हैं। तो ये सब पैटर्न्स हैं, इनका आप रियाज करें कम स्पीड में, और फिर इनको लाइव परफॉर्मेंस में आप इनको अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रकार है, दित्ता 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 चेंज करना है, धित्ता की जगह धित्ता, और दोनों में ऐसे स्लाइड करेंगे, धित्ता 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 धित्ता, ये भी अच्छा प्रकार है, धित्ता 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 धित्ता, बहुत यूजफुल पैटर्न है ये, उपयोगी, बहुत काम आएगा आप सबके, मैं भी इसको बजाता हूं, बहुत अच्छा है, मैं भी बजाता ही हूं और मैं वही सब आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए शुरुआत वेरिएशंस तो क्या है ना, अपने माइंड से होते हैं, कई बार जैसा गाना होता है तो उस तरीके से बजाना होता है, और फिर जो है गाने का फील को समझते हुए उसके साथ बजाने का प्रयास करना होता है। तो पैटर्न ये सब जो है ये तो इनके जैसे एक तरीके से प्रकारों के भी मेन रूप है, फिर इसमें भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना, खाली यही नहीं है, इसमें आप अपना माइंड लगाइए, डबल बेस को ट्रिपल भी कीजिए, फिर आड़ा हिस्सा लगाएं उसमें, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करें, चार बेस लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसका धिद्धा धित्ता धिद्धा धित्ता ये आइए, thank you.
तो ये प्रकार हो गया, इसका भी आप रियाज करें। और एक और प्रकार मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा प्रकार है वो भी, ये भी मैंने सिखाया था आपको, तो इसका भी रियाज करते हैं। लास्ट में धा पर घिस्सा है, शुरुआत में सिंपल। तो आइए 1 2 3 4 तबला बजा के अच्छा तबला नहीं बजाया जा सकता, नहीं बजाया जा सकता। कम से कम 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करने का हैबिट होना चाहिए, 2 घंटा सुबह करें, 2 घंटा शाम को, अगर अच्छा तबला प्लेयर बनना है तो 4 घंटे कम से कम डेली करना चाहिए। 3 दिन का भी रियाज कर लीजिए। हो सकता है काफी लोग कहें कि धागिना 3 दिन आपने नहीं सिखाया, और उसका रियाज कैसे करना, देखिए मैंने सिखाया था वो। तो धागे नाती नक धिन, ये कहरवा ताल का मेन ठेका है, ओरिजिनल कहरवा 8 मात्रा। तो धागे नाती, तो ती मैदान पर है, तो धागे नाती नाग, मैं आपको मेन टेक्निक बता रहा हूं, धागे नाती नाग धीना। तो ये बजाएंगे धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना। आइए 1 2 3 4 धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना। इसका भी रियाज करें, आइए धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना, धागे नाती नाग धीना। इस प्रकार से
इसके बाद फास्ट कैरवा करेंगे लास्ट। इसके बाद आज के लिए इतना ही, इसके बाद एक और इसका रियाज ऐसे ही करना है इतनी स्पीड में, जब भी इसका थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, वरना और फास्ट करेंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। धागे ना तीना के दिन, धागे ना तीना के दिन, धागे ना तीना के दिन, धागे ना तीना के दिन। स्पीड तो इसका रियाज आप इस प्रकार से करें। और अब मैं आपको सिखा रहा हूं फास्ट कैरवा, जो मैंने सिखाया है बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस ये कैरवा का प्रकार है, पॉपुलर कैरवा है। धा ता ता ग घे ना, धा ता ता ग घे ना। तो इसका रियाज कम स्पीड में करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए आइए मेरे साथ कीजिए आप। ये आपने इसका प्रैक्टिस तो कर ही लिया होगा, सीख भी लिया होगा आपने। तो धा ता ता ग फिर घे ना, लास्ट में एक हिस्सा है, तो इसकी लय रखेंगे 1 2 3 4 धा ता ता ग घे ना। ये इतना रियाज करना है।